फास्ट इंडिया एक्सप्रेस न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं कनिका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी ने आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उद्देश्य था कि जिस तरीके से 2019 का चुनाव पास आता जा रहा है, अब विपक्षी दल बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर लगातार निशाना साध रहे हैं। जहां एक तरफ बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्ति का अभियान चला रही है, जिसके चलते सड़कों को गड्ढा मुक्त किया जा रहा है और नई सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, वहीं अब आरएलडी सेल्फी विद गड्ढा अभियान चला रही है, जिसमें उन्होंने अपना एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है और साथ ही साथ ईमेल आईडी भी जारी की और सेल्फी विद गड्ढा ट्विटर हैंडल पर भी बताया। इसका अभियान साफ है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश भर में सड़कों पर गड्ढे हैं, आरएलडी उन गड्ढों की सेल्फी लोगों से भेजने की अपील कर रही है, ताकि उत्तर प्रदेश सरकार पर प्रदेश भर में सड़कों की स्थिति पर दबाव बनाया जाए सरकार पर। उनका कहना था कि सड़कों की बदतर स्थिति के चलते 3,597 लोग अब तक काल के गाल में समा चुके हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 987 लोग हैं, जो भारत में सबसे ज्यादा है। जहां आतंकवादी घटनाओं में 803 लोगों की मौत हुई, वहीं केवल उत्तर प्रदेश में खराब सड़कों की वजह से 957 लोगों की मौत हो चुकी है। उनका कहना था कि उत्तर प्रदेश सरकार के दावे पूरी तरीके से फेल थे। साथ ही साथ उन्होंने किसानों को लेकर भी उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार पर निशाना साधा कि सरकार ने चुनाव के दौरान किए वादों को पूरा नहीं किया और किसानों पर लाठियां भी चलवाई। और महागठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पार्टी इसका ऐलान करेगी, बीजेपी को हराने के लिए हम महागठबंधन में जरूर शामिल होंगे। कौशाम्बी की एक महिला ने गाँव के ही दो लोगों पर घर में घुसकर रेप करने का आरोप लगाया है। यह घटना 30 जुलाई की बताई जा रही है, जिसमें पीड़िता का आरोप है कि उसकी तहरीर पर कौशाम्बी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे उसे जिला अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ा। 2 माह की सुनवाई के बाद सीजीएम कोर्ट ने पीड़िता का मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले की जांच के आदेश दिए। जिला अदालत के आदेश के बाद पुलिस ने बुधवार को आरोपी दीपक और भिक्कू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद कौशाम्बी पुलिस के एसपी से पूरे मामले को पेशबंदी का मुकदमा बता रहे हैं। एसपी प्रदीप गुप्ता के मुताबिक कौशाम्बी थाने में रेप का मुकदमा 3 लोगों के खिलाफ अदालत के आदेश पर दर्ज किया गया। पहली नजर में मामले संदिग्ध लग रहा है। एसपी प्रदीप गुप्ता के मुताबिक कौशाम्बी थाने में रेप का मुकदमा 3 लोगों के खिलाफ अदालत के आदेश पर दर्ज किया गया है। पहली नजर में ये मामला संदिग्ध लग रहा है, क्योंकि पीड़िता के पति के खिलाफ आरोपी पक्ष ने दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कर रखा है, जिसकी पेशबंदी में पीड़िता द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया है। फिर भी मुकदमे की विवेचना की जा रही है। लखनऊ के थाना अलीगंज पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो राह पर चलती महिलाओं और राहगीरों को निशाना बनाकर उनसे मोबाइल व पर्स लूट कर मौके से फरार हो जाते थे, जिन पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही थी। तभी अलीगंज पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि पूर्णिया के इंडियन ऑयल चौराहे के पास 2 युवक संदिग्ध परिस्थितियों में घूम रहे हैं। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में पकड़े गए आरोपियों ने लखनऊ के कई थानों के घटनाओं के बारे में बताया। पुलिस ने आरोपियों के पास से आधा दर्जन से अधिक मोबाइल फोन और कुछ नकदी और 2 बाइक भी बरामद की है। पुलिस की माने तो पकड़े गए आरोपियों के ऊपर कई मुकदमे भी थाने में दर्ज हैं। कहते हैं कि जो काम कोई नहीं कर सकता वो कुदरत कर देती है। कुछ इसी तरह का नजारा यूपी के रामपुर में उस समय देखने को मिला जब दिन के 2:45 शहर की गलियां और सड़कों पर अंधेरा छा गया। सड़कों पर गुजरने वाले वाहन सवारों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने अपने वाहनों की हेडलाइट्स दिन में जलानी पड़ी। स्कूली बच्चों को भी अंधेरे के चलते काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अचानक तेज हवाओं के चलते दिन में अंधेरे छाने के इस हैरतगंज घटना के चलते लोग सकते में आ गए। खबर उत्तर प्रदेश के हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के भूतखेड़ी गांव में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने गन्ने के खेत से अवैध विदेशी शराब की खेप पकड़ी, जिसमें 64 पेटी अरुणाचल प्रदेश में बनी हुई विदेशी शराब थी। 64 पेटी शराब में रॉयल जनरल ब्रांड की 118 बोतल व 2,576 शराब के क्वार्टर पौवे शामिल है। कोतवाली क्षेत्र में अवैध रूप से देसी व विदेशी शराब की बिक्री का धंधा काफी दिनों से फल फूल रहा है, जिसकी सूचना पुलिस की और आबकारी विभाग को दोनों को काफी लंबे समय से थी। तभी से पुलिस अवैध शराब की बिक्री पर नजर जमाए हुए थी।
और अपना खुफिया तंत्र व सूत्रों को शराब की खेप पकड़े जाने के लिए लगा रखा था। बृहस्पतिवार को सुबह लगभग 9:30 बजे पुलिस को सूचना मिली कि कोतवाली क्षेत्र के ग्राम भूत खदेड़ी में सुरेश पुत्र लीला के गन्ने के खेत में शराब की पेटियां रखी हुई हैं। आनंद फानम ने प्रभारी निरीक्षक संजय प्रताप सिंह, हल्का इंचार्ज सतेंद्र सिंह, मुकेंद्र सिंह आदि मौके पर पहुंचे और गन्ने के खेत को घेर लिया और मुखबिर की निशानदेही पर खेत से विदेशी शराब के 54 पेटियां बरामद की। चारों ओर तलाशी लेने के बावजूद भी पुलिस को वहां कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। अवैध अंग्रेजी शराब जिनके खेत से बरामद हुई उनके विरुद्ध फिलहाल मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जांच के दौरान जो भी लोग इसमें सम्मिलित पाए जाएंगे उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी। वहीं पुलिस क्षेत्र अधिकारी का कहना है कि गन्ने के खेत के स्वामी सुरेश पुत्र लीला व मोनू पुत्र सुरेश दोनों पिता पुत्रों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा।